तो गाइस मम्मी जी को हमने मर्सिडीज में बिठा लिया है। अपनी मम्मी जी का एक बार रिएक्शन दिखा दो जरा प्लीज, क्योंकि अब गाड़ी की रफ्तार में तुम्हें दिखाने वाला हूँ। मम्मी जी रफ्तार देखने के लिए रेडी? अब गुड मॉर्निंग मम्मी जी, इसकी आवाज जरा बंद करोगे? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होगे, मजे कर रहे होगे। भाई आवाज कम करी आपने, बंद नहीं करी। वेरी नाइस, आई लाइक इट। मम्मी का अलग स्टाइल है थोड़ा सा। भाई मेरा दो दिन से, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, कल तो मैंने वो डाल दिया था जिला गुड़गांव का पूरा फुल मूवी हमारी, उससे पिछले व्लॉग में बताया था मेरा गले में जो दर्द हो रहा था ना, उसकी वजह से मेरे को कोल्ड हो गया, नाक में यहाँ दर्द, आंखों में दर्द, शोल्डर में दर्द, सर में दर्द, ऐसे हो गया एकदम से, बुखार जैसी हालत हो गई। तो एक दिन का मैंने लिया स्ट्रेट रेस्ट, पूरे दिन सोना करा और कुछ नहीं करा। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये ऐसे ठीक नहीं होएगा, थोड़ा सा उठना ही पड़ेगा। तो अब जाऊंगा नहाऊंगा, नहाने के बाद मेरे को लग रहा है आधी बीमारी ठीक हो जाएगी। क्या कहते हो, क्या कहते हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? मम्मी ने मेरे लिए अनार काट दिया है, साथ साथ अनार खा लेता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद आज एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज आप लोगों के लिए, अगर वो हुआ तो, अगर 99% डन है पर 1% कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बाहर का मौसम देख लो एक बार तुम, बारिश का वो हो रहा है सीन, कभी भी बारिश आ सकती है, थोड़ी थोड़ी तो आ ही रही है लगातार, पर तेज भी आ सकती है। तो उसके बाद कुछ प्लान में चेंज हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज एक तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आज मम्मी के लिए भी एक सरप्राइज है। मम्मी आपको पता है सरप्राइज? नो, आपको कोई सरप्राइज पता नहीं रहता? मम्मी को सरप्राइज पता नहीं रहता, मम्मी के लिए एक्चुअल में सरप्राइज होती है चीज़ें, तुम लोगों के लिए भी, मम्मी के लिए भी, मेरे को पता चल जाता। दांतले ने बताया, दांतले ने प्लान कर रखा है सारा कुछ, जब आ जाएगा तब दिखाऊंगा। गाइज कल मैं ये मूवी देखाया भाई, ओ माय गॉड 2 है? भाई क्या मूवी है, मतलब ये समझ लो मेरा तो ऐसा हो गया, जो अक्षय कुमार जो महादेव के रोल में बना है ना भाई, गजब। ऐसा ऐसा महादेव ही नहीं देखा होगा, मतलब ऐसे महादेव के रोल में कोई ऐसा देखा ही नहीं होगा आज तक, बाल बड़े बड़े करके और बहुत ही खतरनाक। मेरा तो ऐसा होगा कि मेरा वहां बैठे बैठे मूवी देखते देखते मेरा ऐसा मन कर रहा कि मेरे को तो केदारनाथ जाना अभी, अरे मैं जा नहीं पाया और जा नहीं सकता अभी तो, खैर बिल्कुल भी कोई बात नहीं, बाद में जाएंगे जब भी जाएंगे। जब केदारनाथ का मैंने ऐसा सुना है कि भोले बाबा तुम कितनी भी वो कर लो कि मैं जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, तुम पे कितना भी पैसा हो सब कुछ हो, ऐसा कहते हैं कि जब तक वहां से बुलावा नहीं आता तब तक तुम जा ही नहीं सकते। कोई भी ऐसा, सब तीर्थ ऐसे हैं। फिर भी केदारनाथ हर कोई बिना बुलाए तो चला, मतलब ये समझ लो मैं खुद केदारनाथ का अगर मैं बताऊं, मैं 4-5 साल से तो सोच रहा हूँ कि मैं जाऊंगा, अभी तक मेरा वो बुलावा नहीं आया, पता ना क्या चक्कर है भाई, अभी तक मेरा हो ही नहीं पाया। मेरा हर साल मेरा ऐसे मन रहता है कि केदारनाथ जाना है। फिर अभी लोगों ने वहां जा के ना वीडियो बनाना, वहां जाके ऐसे कर रहे हैं प्रपोजल वीडियो बना, टिकटॉक जो ये बना हुए ना, ये इंस्टाग्राम पे भी रील वील बना हुए, इन्होंने ऐसी गंदगी मचा रखी है, वहां जाकर वीडियो बनाने जा रहे हैं, सिर्फ पूरे दिन वहां वीडियो बन रही है, हो रहा है यार। एक होता है कि भाई वैसे गए हो बना लो, कोई दिक्कत ना, बुरा ही नहीं है उसमें, पर तैयार हो के आ रहे हैं, कोई जूते पहन कर बहुत बुरा वो कर रखा है, तो इस चक्कर में मतलब वो भी हो गया मन में कि यार ये क्या मचा रहे हैं लोग गंदगी। पर जाऊंगा तो सही किसी ना किसी दिन, बड़ा ये मूवी देखने के बाद बड़ा मेरा वो हो गया अंदर से, तो टाइम लगेगा। हाँ तो टाइम लगा के जाएंगे, टाइम अपने पास क्या दिक्कत है, पर जाऊंगा जरूर, व्लॉग भी बनाऊंगा, कोई दिक्कत ना, कितनी भी तगड़ी चढ़ाई हो जाऊंगा जरूर, पर 110% जाऊंगा, बस मेरा एक बार बुलावा आ जाओ महादेव के घर से। पर बहुत तगड़ी भाई मूवी, बहुत बढ़िया लगी मेरे को, लुक तो बहुत ही गजब। मौसम देख रहे हो भाई तुम, अगर ऐसा मौसम परमानेंट हो जाए तो मेरे को बड़ी खुशी मिले, क्योंकि मेरे को ऐसा मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है कि गर्मी नहीं हो, थोड़ी बहुत ठंड एक्स्ट्रा पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मी नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल मैं नहा धो के भाई रेडी हो गया हूँ, और मैंने स्विफ्ट खड़ी कर रखी है यहाँ पे ऊपर ही, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी आने वाली है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत दिनों से नहीं, जिस दिन वहाँ गए थे हम दिल्ली तब मैं दिखा नहीं पाया था ढंग से, तो यहाँ एक बार बुलाया है मैंने, टेस्ट ड्राइव लेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो मैं दिखाऊंगा कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं। अब हमारा मोस्टली कन्फ्यूजन दूर हो चुका है, दो गाड़ियों के बीच में है, अब उनमें से एक ये आ रही है और एक और है, दोनों में से एक फाइनल करनी है, तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अभी तक हमारा ये चल रहा था कि मेरे को लग रहा था कि 4-सीटर लूँ फैमिली कार, मतलब जिसमें पूरी फैमिली बैठे कहीं भी जा सके, जितने को ये था कि 2-सीटर लो, कन्वर्टेबल लो, ये है वो है, तो देखते हैं किसकी क्या डिमांड पूरी होती है। सोचो अगर दोनों की ही पूरी हो जाए तो, मतलब कन्वर्टेबल भी हो और क्या नाम है 4-सीटर भी हो, तो मज़ा ही नहीं आ जाए। तो कुछ ऐसा ही ऑप्शन हमने ढूंढा है, एक दो है और एक अलग है जो कि 2-सीटर ही है, कन्वर्टेबल ही है, पर वो उस पर दिल इतना ज़्यादा आ रहा है ना यार, वो गाड़ी इतनी प्यारी है, और पोर्शन ही है, उसके अलावा कोई दूसरी गाड़ी है,
पर बहुत प्यारी गाड़ी भाई, और स्पीड के मामले में, हर चीज के मामले में, मतलब बहुत गजब चीज है। अभी तक मेरे दिमाग में ना वही चल रहा है, ओ माय गॉड का वो हर हर महादेव। बढ़िया, बहुत खतरनाक म्यूजिक था यार, मजा आ गया। और मेरे को तो, मैं तो पागल वैसे हूँ, मैं एक बार कोई चीज मेरे को पसंद आ जाए ना तो फिर थोड़ा सा वो होता है कि पागल हो जाता हूँ, मतलब कुछ दिन के लिए। लेट्स गो गाइस, अपनी गाड़ी आने वाली है। जतिन का फोन आ गया था कि भाई कभी भी आ सकते हैं वो लोग, तो रेडी रहो। मैंने कहा ठीक है, मैं नहा लिया इस चक्कर में, वरना मैं लेट नहाता, बारिश के मौसम और ठंडा पानी, ठंडे पानी से नहाया हूँ। मैंने कहा चल कोई नहीं, इतना तो करना पड़ेगा गाड़ी के लिए यार। गाइस, तो जिस गाड़ी की बात मैं कर रहा था, अभी मैं उसी को ड्राइव कर रहा हूँ, वही चला रहा हूँ। पर मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं तुम्हें दिखाऊं या नहीं दिखाऊं अभी पूरी, कि सारा क्या है, क्या तामझाम है। रीज़न जो हमारा गाड़ी लेने का प्लान बन रहा है वो यही वाली गाड़ी है। अब वो ये वाली है या कुछ और है, मतलब इसी में ही कुछ और है, पर गाड़ी यही वाली है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी रिवील करूँ या नहीं करूँ। रीज़न बता देता हूँ तुम्हें क्या है। देखो, ये फोर सीटर भी है और साथ साथ इसकी छत भी खुली हुई है, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है, कन्वर्टेबल भी है और फोर सीटर भी है। तो हमारे जो दो तीन जो पॉइंट्स थे वो सब कुछ मैच कर रही है ये गाड़ी। इसके अलावा एक दो ऑप्शंस और भी हैं, पर उन सब में सबसे बढ़िया मेरे को यही लगा। इसके अलावा बस एक चीज़ और है जो मैंने तुम्हें बताया था, वो बाद में देखेंगे कभी अगर मन करा तो। अभी फ़िलहाल तो मैं एक बार मम्मी को दिखाने जा रहा हूँ ये गाड़ी, और जतिन भी वहीं है, घर ही है, तो मैंने कहा एक बार सबको दिखा के, और ये मच्छर तो मेरे साथ ही, सबसे अप्रूवल लेके आज इसका फाइनल कर लेते हैं। अगर हो जाता तो मुँह में बाल कैसे घुस गया। मम्मी इतना तो, यही तो स्टाइल है, ये क्या जो सेंट्रो होती है। एक बात बताओ, सुनो, थार में प्रॉब्लम नहीं है, वो एक क्वालिटी है थार की। हमारे लिए प्रॉब्लम ही है। अरे नहीं मम्मी, मेरी बात तो सुनो, अरे बात तो सुनो, ये हटा के हो जाता है। वो तो जो सेंट्रो खड़ी होती है, कोई भी है, इंडिका, ऑल्टो, ये सारी जो गाड़ी हैं, उन सब में भी ये चार खिड़की, तो दो खिड़की का ही तो मजा है जिंदगी में। उसी को तो थोड़ा सा वो कहते हैं कि थोड़ा सा अपग्रेड हुई है कोई चीज़। नहीं भाई, इसे अगर हम ऐसे देखें कि ये खोल के, अब टू सीटर दांतरे के हिसाब से चलोगे तो फिर दो ही सीट मिलेंगे, पीछे का मिलेगा ही नहीं। फिर बताओ कौन सा बढ़िया, जल्दी बताओ। सही है वैसे तो, और पांच लोग नहीं बैठ सकते हम, चार लोग ही बैठ सकते हैं। हाँ तो क्या दिक्कत है, चार ही तो हैं हम, बच्चे को गोद में ले लेंगे। नहीं भाई क्या दिक्कत है, इसे चाहिए कार सीट लगानी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं अभी मम्मी को दिखा रहा था, अभी तो तुम देख रहे हो सब, ये है गाड़ी। अब मम्मी को एक बार इसमें घुमा के लाता हूँ, ये गंदी हो रखी है बहुत ज़्यादा। उसका रीज़न भी ये है कि बारिश है, तो बारिश की वजह से हमारी गाड़ी खुद भी गंदी हो रखी थी, ये भी गंदी हो रखी है, और ये हमारी खड़ी है, ये कितनी गंदी गाड़ी है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ कचरे वचरे में से उठा के लाए हो। चलो कोई नहीं, एक बार मम्मी को घुमा के लाता हूँ जरा। मम्मी चला के देखोगे या अभी बैठ के घूमोगे? पीछे आप कंफर्टेबल बैठे हो, ऐसे घुटने उठने तो ना रहे? देखो इतनी जगह अभी भी बच रही है ना, तो ठीक है, जगह तो है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ले चलता हूँ थोड़ा सा घुमा के, कोई नहीं अभी एक बार। वो तो अलग चलाएंगे, ये दोनों खड़े हैं ना, ये अलग से ट्रायल लेंगे। तो चार तो बैठ के देखो, हम चलते हैं, बैठेंगे बैठेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। ये देखो दांत रिक्शा, देखो भाई। चलो भाई कहाँ से, इसका यहाँ से है गियर का सिस्टम, लगा दिया मैंने D1 पे। हाँ छत बंद करूँ, छत बंद, हाँ तो एक बार मम्मी को एक बार ऐसे भी चढ़वा के दिखाते हैं और छत बंद करके भी चढ़वा के दिखाते हैं, दोनों स्टाइल अपनाते हैं भाई। निकल जा निकल जा। तो गाइस मम्मी जी को हमने मर्सिडीज में बिठा लिया है। अपनी मम्मी जी का एक बार रिएक्शन दिखा दो जरा प्लीज, क्योंकि अब गाड़ी की रफ्तार में तुम्हें दिखाने वाला हूँ। मम्मी जी रफ्तार देखने के लिए रेडी? अब ठीक है, थोड़ा सा रोड थोड़ा सा बिजी है आज। क्या है स्कॉर्पियो वालों, हमें परेशान कर रहे हो, काहे कर रहे हो, हमारे पास भी है भाई स्कॉर्पियो, ठीक है। ये देख रहे हैं कि खुली हुई गाड़ी लेके जा रहा, पता नहीं कौन, कोई वो सोच रहे हैं कोई वैसे है शहरी सा बालक, पर ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें वो करके दिखाता हूँ, एक बार ट्रक चला जाए। मम्मी है, मम्मी को रफ्तार दिखाता हूँ इस गाड़ी की। मम्मी रेडी रेडी, 1 2 3 गो। ये लो, मम्मी का रिएक्शन दिखाओ जरा। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा कम कर ली, मैंने कहा कि मम्मी पीछे से उल्टी उल्टी ना करने। अरे भाई क्या होगा, किस चीज की आवाज आई अभी, कुछ बम बम फटा गाइस, कुछ खतरनाक। पर भाई बहुत तेज है स्पीड, मतलब स्पीड, मतलब पिकअप भी अच्छा है। तो अकेले चलाएगा तो तू तो उड़ेगा बिल्कुल, मजा आ जाएगा। तो अकेले में तो बहुत तेज चलाएगा ना, नहीं ना। नहीं अब मैं समझदार हो गया। मैं यार क्या बात कर रहे हो, मैं पापा बनने वाला हूँ, समझदार हो जाता है इंसान। पापा तो बन ही गए ना बनने वाला के। हाँ मतलब वही जो भी है। तो भाई मम्मी ओके, गाड़ी पास पास रिपोर्ट। अब आपको मैं एक बार इसको, इस गाड़ी को छत बंद करके और चला के दिखाता हूँ, क्योंकि छत खोल के हमने ट्राई कर लिया सब कुछ ओके। छत बंद करके और ट्राई करते हैं कि कोई हवा का वो जो आवाज आती है वो सब चीजें या वैसी दिक्कतें तो नहीं है। यहाँ से यू टर्न लेके छत बंद करके फिर तुम्हें चला के दिखाता हूँ क्या नजारे हैं। नाम तो तुम पढ़ ही सकते हो,
इसका ही पैसा है मोटा। चलिए अब इसकी छत बंद कर देते हैं, नहीं ऊपर नहीं नीचे करना पड़ेगा ना अब तो। ये लो भाई, ये ऐसे खुलेगा मम्मी आपके पीछे से, अब इसके अंदर से ये छत ऐसे बाहर निकल के आएगी और ये बंद, फिर ये बंद हो जाएंगे शीशे भी अपने आप ऑटोमेटिक है। अब लग रही है ज्यादा नहीं अच्छी। अब देखो, अब इसकी स्पीड देखो जरा कि क्या है क्या नहीं है। आवाज आवाज चेक कर लेते हैं कि आवाज तो नहीं आती है, मतलब वो छत की जो छत थोड़ा सा भर 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 तो नहीं करती। गाइज ये छत बंद करने के बाद भी भाई गाड़ी पास है हमारी साइड, मतलब मेरी साइड से तो ओके की रिपोर्ट है। एक बार जतिन और इसके अभी टेस्ट ड्राइव लेगा, पर मेरी साइड से बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जो ये आवाज़ आ रही है ये सीट बेल्ट की आ रही है, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, अभी लगा लेता हूँ एक बार। ओके गाइज हमने इसको पास कर दिया भाई, ठीक है। एक फाइनल अप्रूवल चाहिए इस दांतले का, अब ये एक बार लेकर जा रहा है इसे टेस्ट ड्राइव के लिए छोटी सी, उसके बाद देखते क्या रहता क्या नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादा नॉलेज है भी नहीं। मेरे को तो सारी गाड़ी ऐसा लगा बहुत बढ़िया, वाह भाई मज़ा आ गया। अब ये बताएगा फाइनल क्या है क्या नहीं है, क्या कमी है क्या सुख दुख है, सब बता देगा ये भाई। इससे बुरी आज तक नहीं रही है स्कॉर्पियो। और ये देखो अपनी गाड़ी जाते हुए दातले भाई, गाड़ी अच्छी लग रही है। मेरे को जो सबसे बड़ा जो कंसर्न था मेरे को वो था रोड प्रेजेंस गाड़ी की कैसी रहेगी, रोड पर चलते हुए भी अच्छी लगेगी। अब देखो छत वत है तो ऐसे अच्छी लग रही है देखो पूरी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि खुली हुई सी ही अच्छी लगती है और उस पर बढ़िया नहीं लगती, ऑल ओवर गुड है बढ़िया। पर ये बहुत ज़्यादा गंदी कर रखी है, इस पे मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं कहाँ लग गया दांतला भाई। गाड़ी चला के आने के बाद मैंने खाया पालक पनीर रोटी रायता और उसके बाद ऐसा नशा हुआ डेड सो गया। एक चीज़ बताओ कमेंट करके कि कैसी लगी तुम्हें गाड़ी, कैसी लगी? मेरे को पर्सनली अच्छी लगी गाड़ी नो डाउट, पर क्या चीज़ है जो दूसरा जो ऑप्शन जो मेरा है वो मैंने जो एक रख ही रखा है वो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, उसमें फिर देखेंगे कि कौन सी ज़्यादा बढ़िया लग रही है उसमें से फाइनल करेंगे। पर कमेंट करके बताना कि ये कैसी लग रही है। अभी मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल्स दी नहीं है, वो इसलिए कि अगर बाय चांस ये लूँगा तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा सरप्राइज होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे तेज लोग हैं 90% वो समझ जाएंगे पहले कि कौन सी गाड़ी, दूर से देख के समझ जाएंगे कौन सी गाड़ी कौन सी नहीं। 10% जो मेरे जैसे भोले वाले लोग हैं बस वो ना समझ पाएंगे, तो सरप्राइज फिर उनके लिए रह जाएगा। पर कोई नहीं, कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है, ठीक है। मैं जा रहा हूँ फिलहाल मूवी देखने, मेरी 3-4 मूवीज मिस हो रखी थी, मैंने तुम्हें बताया था, उनमें से 2 तो देख ली, एक अभी ये देखनी है, क्या नाम है इसका, ओ माय गॉड 2 देख ली, गदर 2 देख ली, अब वो देखनी है रॉकी की रानी वाला, क्या नाम है आलिया भट्ट वाली मूवी। गाइस आज तक ये खाने का सामान लेके इसको मैं नीचे डाल दे रहा था, लेकिन आज इसका हमने सही यूज करा, इसको इसमें डाल के देखो यहाँ पे बैठे बैठे दोनों खाते हैं। गाइस अभी हम मूवी देख के आए हैं रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, ठीक है। उसमें ना जो रॉकी है, मतलब जो ये क्या नाम है इसका, रणवीर सिंह है, तो वो बहुत रिच टाइप्स वैसे बंदा बना है, मतलब फैमिली रिच फैमिली से बहुत ही अमीर, ठीक है, ऐसा सीन है। सारे कपड़े महंगे महंगे पहन रखे हैं, और तुम्हें पता है एक जो मेरे और उसके बीच में जो एक कॉमन चीज़ मिली वो क्या मिली, उसके पास जो गूची का पर्स वो यूज़ कर रहा था वो मेरे वाला था, जो मेरे पास है वही उसने पर्स दिखाया गूची का, सेम डिट्टो, मतलब 110% बिल्कुल सेम वही वाला जो मेरा है वही, ऐसा समझ लो मेरा पर्स ले गया शूट के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को देख के कि मेरे वाला है ये, तो मज़ा आ गया, ऐसा लगा जैसे पता नहीं गूची मेरा ब्रांड हो, पर कोई बात नहीं, ये तो मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ बस हवाबाजी के तौर पे। देखा है भाई मूवी वगैरह, ठीक है, अब अपना घर चल के आराम करते हैं। तुमने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो कल एक बार मैं जाऊँगा BMW, तो बस जो लास्ट मेरा एक वो रह गया उसके बाद फाइनल, ठीक है, जो भी रहेगा तुम्हें पता चल जाएगा। तो फिलहाल अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।